हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे। जी, देखिए, मैंने आपको अभी तक लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच में आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताया कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या-क्या आपकी क्वांटिटीज होती हैं और उनमें सिमिलरिटीज क्या हैं और डिसिमिलरिटीज क्या हैं। तो सिमिलरिटी में मतलब ये होता है कि वहां पर जो चीज लीनियर वेलोसिटी है वो वहां पर एंगुलर वेलोसिटी है। मींस वहां पर लाइन की बात कर रहे हैं, यहां पर एंगल मींस सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं। ये सिमिलरिटी होती है। डिसिमिलरिटी का मतलब क्या है कि वहां पर अगर आप कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो लीनियर में तो वो आपका मीटर में होता है, और एंगुलर में आपका या सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? रेडियन में होता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेडियन में ही होता है। तो ये चीजें आपकी डिससिमिलरिटी और सिमिलरिटीज हैं। तो इनको ध्यान रखते हुए आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है, और हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी हैं, तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे। तो अब जैसे कि अब हमें पता है कि हमारा जो ओमेगा होता है वो क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो अब मान लो अगर हमें टाइम पीरियड निकालना हो, ठीक, टाइम पीरियड निकालना हो, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए, अगर जनरली बात करूं, टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज अ टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, सिंपल, जनरली, चाहे वो लीनियर हो या सर्कुलर हो। लेकिन जैसे ही सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं तो क्या होगा सर्कुलर मोशन में? इट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑन इट्स सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में घूमते हुए अगर वो एक चक्कर पूरा करता है बॉडी या ऑब्जेक्ट, उस द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा? टाइम पीरियड होगा, जिसको हम फंडामेंटल टाइम पीरियड भी बोलते हैं। क्योंकि फंडामेंटल मतलब क्या है कि फंडामेंटल टाइम पीरियड भी वही टाइम पीरियड है जिसमें कि आप किसी भी पोजीशन से स्टार्ट करोगे और एक सर्कुलर पाथ में घूम करके उसी पोजीशन पे आओगे तो भी आपका एक चक्कर ही लगेगा, वन रेवोल्यूशन ही लगेगा। क्लियर? अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो जनरली अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी होता है क्या? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या आएगी? वन बाय सेकंड, मींस पर सेकंड। इट मींस सेकंड की पावर -1। तो ये जनरल है। और अगर मैं सर्कुलर मोशन में बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या है? इन सर्कुलर मोशन द फ्रीक्वेंसी मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सर्कुलर पाथ। कि एक सर्कुलर मोशन में कितने रेवोल्यूशन उसने पूरे किए एक सर्कुलर पाथ में एक यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकंड में। यूनिट टाइम में सेकंड। तो एक सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा एक सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए कितने रेवोल्यूशन पूरे किए गए, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। इट मींस नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। That is your frequency. Clear? अब एक चीज आ गई यहां पर कि देखिए, तो एक है आपका टाइम पीरियड, दैट इज टी, और एक है आपका फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ। तो यहां पे सर्कुलर मोशन में उसने एन भी लिया हुआ है, एन, सिंपल। तो टाइम पीरियड, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? टू पाई बाय टी। एंड क्योंकि सिंबल फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? एन भी होता है, तो इसको लिखता हूं टू पाई
इंटू वन बाय एन और टू पाई इंटू इंटू सॉरी नॉट एन वन बाई टी एंड वन बाई टी इज इक्वल टू एन क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड सो टू पाई एन इट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एन दिस इज योर इज वट दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी सो ओमेगा विल बी गिवन बाय टू पाई एन तो इस तरह से अब बात करते हैं हम हमने लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में कुछ क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन किया था कि आपका v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ठीक है तो ये चीज ये होगी ओमेगा इज टू पाई एन अब आपका है कि मान लीजिए आपको एक ओमेगा ए दिया हुआ है दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल ए एंड ओमेगा बी इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल बी तो पार्टिकल ए और पार्टिकल बी के आपको एंगुलर स्पीड्स दिए हुए हैं और अब वो कह रहा है कि आपको रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ बी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए पार्टिकल निकालना है इट मीन्स आपको क्या निकालना है आपको ओमेगा बी ए निकालना है सो व्हाट इज ओमेगा बी ए दिस इज द दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटेड फॉर रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ बी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए इट मीन्स वो ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि जो बॉडी जो पार्टिकल ए है जो पार्टिकल ए है और जो पार्टिकल बी है तो पार्टिकल बी पार्टिकल ए से कितनी एंगुलर स्पीड ज्यादा या कम चल रहा है तो क्या मतलब होगा ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए सो दिस इज कॉल्ड इसको मैं क्या लिख सकता हूं ओमेगा रिलेटिव रिलेटिव सो रिलेटिव एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए इट मीन्स इट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी स्पीड ऑफ ए बी एंड ए कि अगर मैं बी की निकाल रहा हूं ए के रिस्पेक्ट में इसका मतलब मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि बी पार्टिकल ए पार्टिकल के कंपैरिजन में कितना तेज चल रहा है या कितना स्लो चल रहा है इन इन अनदर टर्म्स अगर मैं ओमेगा ए बी निकालूं तो ओमेगा ए बी क्या होगा ओमेगा ए बी इज द रिलेटिव एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इट मींस उस केस में मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि ए पार्टिकल बी पार्टिकल पार्टिकल के कंपैरिजन में कितना तेज एंगुलर स्पीड से चल रहा है या कितना कम चल रहा है ठीक है सो दिस इज अ रिलेटिव कंसेप्ट देखो सिंपल है रिलेटिव मतलब क्या है जैसे हमारे रिलेटिव होते हैं हमारे रिश्तेदार होते हैं रिलेटिव सिंपल मीनिंग क्या है रिश्तेदार तो हमारा वो क्या रिश्तेदार है मींस हमारा उससे क्या रिश्ता है कैसे कंपेयर करते हैं कि कोई बुआ का होगा कुछ मामा का रिलेशन होगा कुछ चाचा का रिलेशन होगा वो ऐसे तो हम यहां क्या कर रहे हैं ओमेगा ए बी ओमेगा बी का मतलब क्या है कि मैं ए पार्टिकल की एंगुलर स्पीड देख रहा हूं बी के रिस्पेक्ट में ज्यादा है या कम वो कैसे पता करूंगा ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी कि ए की एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी को मैं सॉरी ए की एंगुलर स्पीड में से मैं बी की एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी घटा दूंगा जिससे कि मुझे डिफरेंस मिल जाएगा और अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव आया तो इट मींस ए पार्टिकल की एंगुलर स्पीड ज्यादा है और अगर वो डिफरेंस नेगेटिव आया इट मींस
ए पार्टिकल की एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी कम है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एनी वन बॉडी रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी विल बी गिवन बाय, तो लिख लीजिए रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी, चाहे वो एंगुलर हो चाहे वो लीनियर हो। सो रिलेटिव एंगुलर स्पीड, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़े तो हम एंगुलर बात करेंगे, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड ऑफ वन बॉडी रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी विल बी इक्वल टू रिलेटिव सॉरी विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी। तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी निकाल रहे हो, इट विल बी इक्वल टू एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी माइनस एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड बॉडी। सो लाइक ओमेगा वन टू, तो ओमेगा वन टू क्या होगा, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। तो अगर अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा वन इज ग्रेटर देन ओमेगा टू। अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है तो ओमेगा वन इज लेस देन ओमेगा टू। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि आपका ओमेगा वन ओमेगा टू से तेज चल रहा है या स्लो चल रहा है। क्लियर है, गुड डाउट, ठीक है आगे चलते हैं। अब हमने, जैसा कि आप जानते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन में मिस लीनियर मोशन में, तो लीनियर मोशन में हमने क्या किया, जैसे एक्सीलरेशन बढ़ा था हमने, तो ए क्या होता है v माइनस यू बाय टी होता है, बिकॉज एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, वो क्या होता है एक्सीलरेशन। तो यहां भी सेम है, अगर ये चीज अगर ये पॉजिटिव आई तो एक्सीलरेशन बोलते हैं उसको, अगर ये चीज नेगेटिव आई तो हम क्या बोलेंगे उसको, रिटार्डेशन बोलेंगे, रिटार्डेशन, और इसको बोल देते हैं डिसीलरेशन। सो अब देखिए ये चीज तो है ही है, जब पॉजिटिव आया इसको हम बोलेंगे एक्सीलरेशन और नेगेटिव आया रिटार्डेशन एंड डिसीलरेशन। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जब ए पॉजिटिव है तो इट मींस v की वैल्यू मेरी ज्यादा, इट मींस v इज ग्रेटर देन u, इट मींस फाइनल स्पीड इज ग्रेटर देन इनिशियल स्पीड। क्लियर। नाउ अब अगर नेगेटिव है इट मींस v इज लेस देन u, तो क्या होगा डिसीलरेशन। तो सिमिलरली अगर मैं इसको लिखना चाहूं मैथमेटिकली तो मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू dv बाय dt। अब समझिए d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, हालांकि ये वर्ड थोड़ा हायर लेवल के लिए है, मैं फिर भी बताना चाहता हूं डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, वेलोसिटी का। इट मींस देखो हम यहां निकाल क्या रहे हैं, v माइनस यू डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस एक्सीलरेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। तो व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली तो कैसे करेंगे, एक्सीलरेशन जो होगा वो v और u का डिफरेंस है, इट मींस इस डिफरेंस के लिए मैंने चीज क्या यूज की, डी कर दिया, मींस डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा स्मॉल होता है। सो डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल चेंज। तो डी को हम क्या बोल सकते हैं, डी इज योर स्मॉल चेंज। तो डी क्या है, स्मॉल चेंज है, डी आपका स्मॉल चेंज है, एंड वी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक। तो इट मींस द चेंज इन, जो आपका वेलोसिटी में बहुत कम चेंज आया किसके साथ, चेंज इन टाइम। तो टाइम में चेंज होने के साथ जो आपका वेलोसिटी में
बहुत कम चेंज आया उसको हम लिखते हैं A इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी। तो क्या लिखा, A इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी। तो ये तो आपका हो गया लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। ये चीज समझ आई, तो A क्या लिखा मैंने, डीवी बाय डीटी। तो A क्या है, डीवी बाय डीटी। क्यों, D का मतलब क्या है, डिफरेंस। A हमारे पास क्या था, V माइनस यू बाय टी। तो D का मतलब डिफरेंस, मींस डिफरेंस विल बी विल ऑलवेज गिव यू स्मॉल वैल्यू। तो V में से U को घटाया, तो मैं मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा, आई कैन राइट डी, डी मीन्स डिफरेंस। तो माइनस, इन दोनों के माइनस के लिए मैंने क्या लिख दिया, डी। और है क्या ये वेलोसिटी, तो मींस डीवी, डीवी डिवाइड बाय डीटी। तो एक्सीलरेशन इज नथिंग, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी चीज को हम बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव किस चीज का है, वेलोसिटी का। सो इट मींस द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन, विल रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन। क्लियर, ओके। नाउ कम ऑन टू एंगुलर मोशन, ये चीज में, ये चीज उठाएंगे हम एंगुलर मोशन में, मीन सर्कुलर मोशन में। तो ये थोड़ा मुश्किल लगेगी आपको, मानता हूं। तो अभी हमने ए पढ़ा, क्या ए इज योर डीवी बाय डीटी, ये पढ़ा हमने लीनियर में, लीनियर मोशन। नाउ अब एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, तो वो क्या होता है, हाँ जी। तो अब इससे पहले, एंगुलर से पहले मैं बात करना चाहूंगा ओमेगा की। ओमेगा क्या होता है, थीटा बाय टी, थीटा बाय टी। अब समझो इस चीज को, तो जब कोई पार्टिकल इस पोजीशन पे है तो यहां कोई एंगल होगा थीटा वन, चाहे वो जीरो क्यों ना हो, ठीक है। तो जब पार्टिकल मूव करके यहां पर आ गया तो यहां पर एंगल क्या है, थीटा टू। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि थीटा है, थीटा मींस एंगल की वैल्यू। तो इनिशियली जब वो थीटा वन पे है और फाइनली कहां पे, थीटा टू पे, इट मींस जब वो यहां पर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया मैंने, थीटा वन है एंगुलर। जब वो चल के यहां पर आया ऐसे घूम के, तो क्या मान, क्या हो गया, थीटा टू। तो जैसे मैंने ए को डीवी लिखा, तो इसको क्या लिखता हूं, डी थीटा बाय डीटी। तो अभी इसको भूल जाओ अभी पहले, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा इज योर फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि यहां से लेकर जितना इसको टाइम लगा। तो अब देखिए थीटा टू माइनस थीटा वन, तो क्या डिफरेंस है, तो ये कैसे आया था, वी माइनस यू से आया था। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिफरेंस ऑफ थीटा बाय डीटी, इट इज ओमेगा। क्लियर है, सो यहां पे हम देख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वट, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली अब आते हैं अल्फा पे, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो अल्फा क्या होता है, ओमेगा बाय टी होता है, क्योंकि जब आपका
एक्सीलरेशन ए, ए आपका है वी माइनस यू, दैट इज रिटन एज डीवी, क्लियर। तो अब अल्फा क्या होगा, अल्फा इज ओमेगा बाय टी, तो इट मींस मान लीजिए पहली वेलोसिटी ओमेगा वन है, दूसरी ओमेगा टू है, मींस इनिशियली इनिशियली ये है और फाइनली ये है, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन बाय टी, क्लियर। तो टी भी क्या होगा, टी टू माइनस टी वन, भाई इनिशियल टाइम पे टी वन पे ओमेगा वन थी, टी टू पे ओमेगा टू थी, किसी भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल टाइम टी वन पे ओमेगा वन थी और टी टू पे कितनी है, ओमेगा टू है, ठीक। तो अब अल्फा क्या बनेगा, अल्फा इज हो डिफरेंस ऑफ, तो क्या लिख दूं, डी लिख दूं, डिफरेंस ओमेगा बाय डिफरेंस ऑफ टाइम, तो अल्फा क्या बन गया, अल्फा इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को हम बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, क्लियर। अब चीज समझने की है, अब क्योंकि अल्फा क्या है, डी ओमेगा बाय डी टी है, तो अल्फा को मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अब अल्फा डी बाय डी टी हो गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये है, इसको ऐसे लिख दूं, डी थीटा बाय डी टी, चेक कर दीजिए, तो देखो अल्फा क्या है, डी ओमेगा बाय डी टी, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, डी थीटा बाय डी टी, तो ओमेगा की वैल्यू मैंने यहां पुट की, अब सिंपल मल्टीप्लाई करना, सिंपल देखिए, डी इंटू डी, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वेयर, क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय डी टी इंटू डी टी, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, हां जी, सो क्या बना, अब देखिए ये पहला डेरिवेटिव समझ लीजिए, डिवाइडेड इज फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसको एक बार अलग से थोड़ा कॉलम बना के लिखता हूं, आपको थोड़ा ध्यान रहेगा, देखिए ओमेगा इज डीटा बाय डीटी, अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी, एंड डी बाय डी टी डी थीटा बाय डी टी, और वी कैन राइट डी स्क्वेयर थीटा बाय डी टी स्क्वेयर, सो एंगुलर वेलोसिटी इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, व्हाट इज दिस, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव एंड दिस इज योर सो ओमेगा इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मींस एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of change of, so you can say double derivative, second derivative या double derivative of angular displacement, तो अभी यहां पर देखिए theta by t
यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड होगी, यहां पर भी क्या होगी रेडियन, थीटा तो एक बार है, टाइम कितना है, सो यही होता है। तो लीनियर में क्या होता है एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उधर क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो ओमेगा इज योर रेडियन पर सेकंड और अल्फा इज योर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, आई थिंक आपको चीज क्लियर हो जाएगी। क्लियर है, दिस इज द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, ठीक है, लीनियर में, तो लीनियर में आपके पास u है, v है, s है और आपके पास a है, ठीक है, यही चीजें होती हैं। अगर x के लॉन्ग चल रहे हो, y के लॉन्ग होगे तो ये s का h हो जाएगा और a का g हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर सर्कुलर मोशन में तो सर्कुलर मोशन में देखो डिस्टेंस s है, तो यहां पर जो डिस्टेंस होता है उसको क्या होता है, वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यहां लीनियर स्पीड, इनिशियल स्पीड u है, यहां पर क्या होती है ओमेगा वन और ओमेगा टू और a क्या होगा अल्फा। तो ट्राई टू राइट, तो पहली क्वेश्चन क्या थी हमारी लीनियर में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v किसने यहां पर क्या है ओमेगा टू, तो ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा वन प्लस अल्फा टी, ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस क्या है थीटा, थीटा इज इक्वल टू यू, यू इज योर ओमेगा, ठीक है, ओमेगा वन टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, सो लास्ट इज योर वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू एस, इट मीन्स वी स्क्वेयर ओमेगा टू स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा वन स्क्वेयर प्लस टू अल्फा थीटा। सो दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन इन सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में ये तीन आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और होता है ए इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर, और हमें पता है v क्या होता है r ओमेगा, क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर r। तो a का फॉर्मूला v के फॉर्म में ये आ गया और ओमेगा के फॉर्म में ये आ गया। सो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई डाउट किसी को किसी भी चीज का तो पूछ सकता है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो यू कैन चैट इन द ऐप। तो इन लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, बहुत ही समझने का लेक्चर है। So, stay at home, take care, be safe. Thank you. तो मुझे एक चीज और ध्यान आ गई यहां पर, जैसे कि आपको अब यह समझ आ गया, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर हम यहां पर थोड़ा कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कंक्लूजन के बाद आपका ओमेगा टू क्या है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा वन क्या है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन है, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा वन क्या है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है और अल्फा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो आप ओमेगा वन की जगह ओमेगा नॉट मान सकते हो, मींस जीरो पे, और ये ओमेगा वन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी, इसको ओमेगा वन छोड़ दो, इसको ओमेगा नॉट मान लो, ओमेगा नॉट, ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सेकेंड इज योर थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा
टी स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वेयर प्लस टू अल्फा थीटा, उस केस में ये इक्वेशन बन जाएंगी। तो जैसे आपने लीनियर मोशन में वो इक्वेशन यूज की थी, तो आप सर्कुलर मोशन में ये इक्वेशन यूज करेंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपका ये सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा खत्म हो जाता है। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इनके बेसिस पे, जिससे कि हमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।